और उत्तराखंड में भारी बारिश होने पर गंगा और यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण देश की राजधानी दिल्ली में अब पेयजल के लिए हाहाकार मचने लग गया है। कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति नहीं आने पर लोग दिल्ली जल बोर्ड को ट्वीट कर अपनी दिक्कतों की सूचना देने के साथ साथ उसका समाधान करने का आग्रह कर रहे हैं। दरअसल यमुना नदी और गंगा नहर से जुड़े 5 जल शोधक संयंत्रों में पानी के उत्पादन में निरंतर गिरावट आ रही है और इस कारण उनसे जुड़े इलाकों के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जल बोर्ड ने यह दावा किया है कि यमुना नदी और गंग नहर के पानी में गंद की मात्रा बढ़ने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है और उसके संयंत्र पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में होने वाली भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना समेत सभी नदियों में बाढ़ आई हुई है। इतना ही नहीं, सभी नदियों के पानी में गाद की मात्रा भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस कारण अब हरिद्वार में 3 दिन से गंग नहर में पानी छोड़ना बंद कर रखा है और इस नहर से जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के सोनिया विहार और भागीरथी जल शोधक संयंत्र में पानी आना कम हो गया है। अगले 2-3 दिनों के बाद इनको गंग नहर से पूरी तरह से पानी मिलना बंद हो जाएगा, लिहाजा इन दोनों ही संयंत्रों में पानी का उत्पादन प्रभावित होना शुरू हो गया है। इसी कारण से इनसे जुड़े पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पेयजल संकट पैदा हो गया है। लोग पानी की समस्या से पार पाने के लिए टैंकर मंगवा रहे हैं। और दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की रफ्तार धीमी होने के कारण मॉनसून की बारिश का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश के लिए अभी भी 4 से 5 दिन का इंतजार करना होगा। इस दौरान तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो 26 जून से लेकर 30 जून के बीच दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मॉनसून रफ्तार पकड़ सकता है। दिल्ली में कई दिनों से बादलों की आवाजाही है लेकिन बादल बरस नहीं रहे। सोमवार को भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई थी लेकिन दिन भर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम है जो कि 37.4 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी कि 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम आर्द्रता के साथ आपको बता दें कि करीब 87% और न्यूनतम 45% दर्ज की गई है। इसी के साथ ही दिल्ली में नजफगढ़ केंद्र पर सबसे अधिक 38.7 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है जबकि मंगेशपुर और पीतमपुरा में मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश में 24 घंटे के आंकड़े आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में 42,640 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 91 दिन बाद 50,000 से कम कोरोना के केस आए सामने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कोरोना से जुड़ी सामने आ रही है जहां देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से करीब 1,167 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,99,77,861 हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 6,62,521 पहुंच गई है। देश में कोरोना से अब तक 3,89,302 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कोरोना से जुड़ी कोरोना अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि बीते 24 घंटे में करीब 91 दिन बाद 50,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,167 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं इस बीच देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 2,99,000 से ज्यादा पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं देश में कोरोना के एक्टिव मरीज इस वक्त 6,62,251 पहुंच गए हैं।